हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाने वाले ऐसे आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह की शुरुआत दूध के चुस्की के साथ। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। तो चलिए आज के इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत करने के समय में सबसे पहले मैं पहुंचता हूं अपने बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास में, जहां पर हमें पता चलता है कि हम कहते भी है ये बात बहुत ही गर्व से कि हमारे खून के कतरे कतरे पर जिनका हक और अधिकार है ऐसे 108 हमारे बहुजन महापुरुष हुए। और इन तमाम महापुरुषों के कुछ न कुछ, चाहे फिर अगर जयंती हो या स्मृति दिवस हो या फिर उन्होंने ऐसे कुछ काम किए जहां से हमें एक नई इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसे लिए हमको अपना कैलेंडर देखने की जरूरत पड़ती है और वहां से हमको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज के दिन है 30 अप्रैल और देखते हैं आज के 30 अप्रैल पर क्या दिया हुआ हमारे बोधिसत्व दिनदर्शिका में। तो आज के दिन है राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज इनकी जयंती, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज इनकी जयंती है। बात करेंगे राष्ट्र संत टुकड़ोजी के महाराज के बारे में और साथ ही साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताने आज के ब्लॉग में। हाथी घेता न तलवार बुद्ध राज्य करी जगावर, त्यासी कारण एक प्रचार प्रभावशाली। तो ये बात संत टुकड़ोजी महाराज कहते हैं कि बिना तलवार बिना किसी तरीके के शस्त्र से बुद्ध ने पूरे देश और पूरे दुनिया पर राज किया है, क्योंकि उनकी जो शब्द की वाणी थी, उनका जो कन्विंसिंग पावर था वो इतना स्ट्रांग था कि पूरे जितने भी राजा उस समय के हुए या पूरा विश्व उनके सामने में नतमस्तक हो गया। और ऐसी ही क्रांति हमें करके दिखानी है, ये बात टुकड़ोजी महाराज ने कही। तो हमें समझ में आता है कि संत टुकड़ोजी महाराज जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो बुद्ध की आइडियोलॉजी थी, और इसी कारण जो बुद्ध का क्रांति वाला आंदोलन था, इसी क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हमारे संतों ने किया है। जैसे कि संत टुकड़ोजी महाराज होते, संत तुकाराम महाराज, संत गाड़गे बाबा, संत चोखा मेड़ा, ये हमारे तमाम जो बहुजन समाज से आने वाले जो संत थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बुद्ध से ही आई हुई आइडियोलॉजी थी। और इसी के कारण बुद्ध का जिस तरीके से क्रांति वाला आंदोलन था, हमारे संतों का भी ये क्रांति वाला आंदोलन था, लेकिन इनको भक्ति वाला आंदोलन बताने का काम किया गया। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ में कौन है, नाम बताओ। राहुल। राहुल। और मोहित है अभी मेरे सामने। अभी मोहित क्या कर रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। क्या कर रहा है मोहित बता। काले सुधर रहा है। और तू क्या कर रहा था अभी तक? मम्मी टेस्ट दे रही थी। अच्छा, किस चीज की टेस्ट थी? रोमन नंबर की। रोमन नंबर की। कहाँ तक के पढ़ा रोमन नंबर? अभी 100 तक के। 100 तक के? अभी 100 तक के नहीं नहीं है। अभी मम्मी ने बोली कि 50, अभी 50 से 100 तक के। और चार्ट अपन लगाया, उसका क्या यूज हो रहा है? लर्न कर रहा है कि नहीं वहाँ से? जैसे बताया था टेक्निक, इसके पहले अपन ने बताए थे ना, वैसा कर रहा है कि नहीं? ट्राई हो रहा है थोड़ा। और अभी दिखाते हैं अपन मोहित क्या कर रहा है। अभी शाम का समय हो रहा है और यहाँ पर गाड़ी सुधारने का प्रोग्राम हमारे घर में शुरू है। पापा और यहाँ पर आप देख रहे हो मोहित गाड़ी सुधार रहा है। मोहित क्या कर रहा है, जोर से बोल। गाड़ी सुधार रहा हूँ। आती तेरे को गाड़ी सुधारना? नहीं आती। तो बड़ा होके क्या बनना बताते सबको? पायलट। पायलट क्या करता है? प्लेन उड़ाता है। ट्रेन चलाता है? प्लेन उड़ाता है। प्लेन उड़ाता है, तो तेरे को प्लेन उड़ाना है। हाँ। अच्छा, तो अभी इसको उड़ाना है प्लेन। अभी देखते हैं कि मोहित राहुल को क्या करना है। राहुल, राहुल तुझे क्या बनना है बड़ों की बता। मुझे डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है। डॉक्टर बहुत सारे पैसे लूटता है मालूम? नहीं लूटता। बहुत सारे डॉक्टर है जो बहुत सारा पैसा लूटते है। तू भी ऐसा डॉक्टर बनेगा क्या, पैसे लूटने वाला? नहीं। कैसा डॉक्टर बनेगा? अच्छा। अच्छा वाला बनेगा है? तो बोल दे सबको कि मैं एक बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनूं। ऐसे ऐसा धीरे आवाज में बोलेगा तो कौन बोलेगा, जोर से बोल। बड़ा होके पक्का नहीं बना तो? बना तो क्या बनेगा ना? कॉन्फिडेंस है? ओके ठीक है फिर। Thank you.
लोग सोच रहे होंगे कि मैं आखिर टाई वगैरह पहनकर क्यों रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि थोड़े समय के लिए अभी मैं न्यूज एंकर बन चुका हूँ। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है साथियों कि आज तक के बहुत बड़े पत्रकार रोहित सरदाना अभी इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, बहुजनों की आवाज कभी बुलंद नहीं करने वाले, हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाने वाले ऐसे आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के चलते उनका उपचार चल रहा था और उसी के साथ साथ उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बात करते इसके ऊपर में आगे। आपको बता दें कि रोहित सरदाना इनका 5 बजे शाम को एक शो आता था आज तक पर, जिसका नाम था दंगल, और उस दंगल के कुछ विषय इस तरीके से रहते थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें है कि राम मंदिर बनाओ नहीं तो जाओ, मुस्लिम मुक्त भारत, पार्टी में हिंदू राज करेगा तभी कश्मीर शांत रहेगा, भारत में हिंदू अल्पसंख्यक, बीफ खाओ तो जान से जाओगे, घुसपैठिया मुसलमान, नेता परेशान, मान न मान डर में मुसलमान, जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहाँ से पधारे। तो इस तरीके से कुछ इनके टॉपिक्स होते थे जो दंगल के, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने आजीवन किस तरीके की पत्रकारिता की। माँ के बुद्ध इस बात को लेकर क्या कहते हैं कि आपके जाने के बाद में, इस दुनिया से चले जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म से ही आपको याद किया जाता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए द न्यूज वीक के चीफ एडिटर क्या लिखते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो अभी आपको मैं एक ट्वीट पढ़ के दिखाने वाला हूँ, जो कि ये सुमित चौहान जो द न्यूज वीक ये चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने एबीपी न्यूज में, जी न्यूज में और इंडिया न्यूज और साथ ही न्यूज नेशन में भी काम किया है, और इन्होंने रोहित सरदाना इनके साथ में भी काम किया है। तो मैं उनका ट्वीट अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो क्या लिखते हैं। वो लिख रहे हैं कि सिर्फ मृत्यु आपके अच्छे होने का परिणाम नहीं, आपका काम ही आपकी पहचान है और उसी काम के आधार पर आपको याद किया जाएगा। काश आप एक बेहतर पत्रकार होते, देश की भलाई का काम करते, जहर नहीं बोते, नफरत नहीं फैलाते, दंगे नहीं करवाते, सरकार को नहीं बचाते और एजेंडा नहीं चलाते। तो इनके एक ट्वीट से हम समझ सकते हैं कि आखिर रोहित सरदाना कैसे किस्म के शख्स थे, उन्हें अपने आजीवन किस तरीके की पत्रकारिता की, और उसके सबूत भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिए है। एक पत्रकार की मौत होने के बाद में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, ये तमाम बड़े बड़े लोग ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं बता रहे हैं, जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी जो मौत हुई बहुत ज्यादा दुखद है। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि देश में लाखों लोगों की मौतें यहाँ पर हर दिन हो रही है और उनकी संवेदनाएं या उनका परिवार नहीं है, ऐसे एक तरफा ये जो संवेदना इनकी है ये कहीं ना कहीं इनकी जातिवादी दूषित मानसिकता को दिखाता है। शाम होते होते जैसा भूख लगने की जो आदत लग चुकी है, अभी मन भी इतना नहीं हो रहा है कि मैं कुछ बना पाऊँ, तो जल्दी से कुछ जुगाड़ करते हैं और आपको दिखाते हैं वो क्या है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप रोहित सरदाना जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे पत्रकार उन्हें आप मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में अगर कोई भी चीज पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरा व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। तो मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।